दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीराना फिल्म के स्टार कास्ट को इस फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस मिली थी और साथ ही जानेंगे कि किसे ज्यादा फीस मिली थी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, फीस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में भी जान लेते हैं। वीराना सन 1988 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में जासमीन, हेमंत वीरजे, शैला चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, सतीश शाह, विजेंद्र घटके, गुलशन ग्रोवर, रमा विज, राजेश विवेक, कमल रॉय, नरेंद्र नाथ, वैष्णवी महंत और विजय अरोरा नजर आए थे। इस फिल्म को श्याम राम से और तुलसी राम से ने डायरेक्ट किया था। ऐसे प्रोड्यूस किया था कांता राम से और अंजलि राम से ने। और इस फिल्म की कहानी जे के आहूजा ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स उमर खय्यम सरनपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म की एडिटिंग श्याम राम से ने की थी। इस फिल्म को कुल 50 स्क्रीन्स के साथ 6 मई सन 1988 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 53 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 2,20,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 92,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 12 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2,80,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.7 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1988 की 20वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिए थे। उसके लिरिक्स इंदावर और अनजान ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 4 गाने थे। उसके सभी गाने हिट रहे थे और ये हैं उन सभी गानों के नाम। पहला साथी तू कहाँ है, दूसरा साथी तू कहाँ है वर्जन 2, तीसरा साथी तू कहाँ है सैड वर्जन और चौथा दिल की धड़कन क्या कहे अपने दिल से पूछ ले। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट की फीस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वैष्णवी महंत की फीस के बारे में। इस फिल्म में वैष्णवी महंत ने जासमीन के बचपन का रोल निभाया था। ये वही वैष्णवी महंत है जिसे हम शक्तिमान की गीता विश्वास के नाम से जानते हैं। ये फिल्म वैष्णवी महंत की डेब्यू फिल्म थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 10,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं विजय अरोरा की फीस के बारे में। इस फिल्म में विजय अरोरा एक पेट्रोल पंप के वर्कर बने नजर आए थे। अगर फीस की बात करें तो उन्हें लगभग 12,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं रमा विज की फीस के बारे में। इस फिल्म में रमा विज ने प्रीति प्रताप का रोल निभाया था जो कि समीर प्रताप यानी विजेंद्र घटके की पत्नी रहती है। इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल ही था। अगर फीस की बात करें तो उन्हें करीब 15,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं कमल रॉय की फीस के बारे में। इस फिल्म में कमल रॉय ने चुड़ैल नकिता का रोल निभाया था। वे इस फिल्म की स्टार्टिंग में नजर आती है। इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल ही था लेकिन फिर भी यादगार रोल था। अगर फीस की बात करें तो उन्हें लगभग 17,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं नरेंद्र नाथ की फीस के बारे में। इस फिल्म में नरेंद्र नाथ ने डॉक्टर अंकल का रोल निभाया था जो जासमीन का चेकअप करने आते हैं और जासमीन उन्हें मार देती है। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 25,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं शैला चड्ढा की फीस के बारे में। इस फिल्म में शैला चड्ढा ने शैला प्रताप का रोल निभाया था जो कि समीर प्रताप यानी विजेंद्र घटकी की बेटी रहती है। ये फिल्म शैला चड्ढा की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने कन्नड़ा और तमिल फिल्म में काम किया था। वीराना फिल्म से शैला चड्ढा को काफी अच्छी पहचान भी मिली थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 1,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं राजेश विवेक की फीस के बारे में। इस फिल्म में राजेश विवेक ने बाबा का रोल निभाया था। इस फिल्म ने राजेश विवेक को भी काफी अच्छी पहचान दिलाई थी और उन्होंने इस फिल्म में अच्छी एक्टिंग भी की थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 38,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं सतीश शाह की फीस के बारे में। इस फिल्म में सतीश शाह ने हिचकॉक का रोल निभाया था। इस फिल्म में कॉमेडी सीन्स के लिए सतीश शाह को रखा गया था और उन्होंने इस फिल्म में कॉमेडी भी अच्छी की थी।
अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 45,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं कुलभूषण खरबंदा की फीस के बारे में। इस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा ने ठाकुर महेंद्र प्रताप का रोल निभाया था, जो कि समीर प्रताप यानी विजेंद्र घटके के बड़े भाई रहते। वे इस फिल्म में जासमीन के पिता भी बने नजर आए थे। अगर फीस की बात करें तो इस फिल्म के लिए कुलभूषण खरबंदा को करीब 1,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं गुलशन ग्रोवर की फीस के बारे में। इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर ने रघु का रोल निभाया था। बैडमैन कहे जाने वाले गुलशन ग्रोवर का इस फिल्म में भी बैड रोल ही देखने को मिला था। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 2,50,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं विजेंद्र घटके की फीस के बारे में। इस फिल्म में विजेंद्र घटके ने समीर प्रताप का रोल निभाया था, जो कि सहिला के पिता रहते हैं। इस फिल्म में विजेंद्र घटके ने बहुत ही अहम रोल भी निभाया था। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 5,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं हेमंत बीरजे की फीस के बारे में। इस फिल्म में हेमंत बीरजे ने हेमंत का रोल ही निभाया था। एडवेंचर्स ऑफ टार्जन फिल्म से जबरदस्त नाम पाने वाले हेमंत बीरजे की ये चौथी फिल्म थी और दूसरी हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म में वे लीड रोल में नजर आए थे। अगर फीस की बात करें तो हेमंत बीरजे को इस फिल्म के लिए लगभग 2,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं जासमीन धुन्ना की फीस के बारे में। इस फिल्म में जासमीन ने जैस्मिन प्रताप का रोल निभाया था। इस फिल्म में वे चुड़ैल भी रहती है। इस फिल्म ने रातों रात जासमीन को फेमस कर दिया था। हर जगह उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे, यहाँ तक कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से भी कॉल आने लगे थे। ये फिल्म जासमीन की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद उनका क्या हुआ और वे कहाँ गई, ये किसी को भी नहीं पता। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 1,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी की फीस के बारे में। इस फिल्म के लिए बप्पी लहरी को लगभग 45,000 की फीस मिली थी। दोस्तों, रामसे ब्रदर्स इस फिल्म का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे थे, जिसे वे 3D में रिलीज करने वाले थे, लेकिन श्याम रामसे और तुलसी राम से दोनों अब नहीं रहे, इसलिए ये फिल्म का सीक्वल अब नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपने ये फिल्म कितनी बार देखा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।